सोमवार को रामपुर से पूर्व सांसद जयप्रदा मुरादाबाद कोर्ट पहुंची, जहां उनको आजम खान द्वारा दी गई हेट स्पीच के मामले में गवाही देनी थी। उन्होंने कहा, आजम खान और एसटी हसन पर मैंने मुकदमा किया था जिसमें आज मेरी गवाही थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह तारीख 25 अक्टूबर कर दी है। अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला है। मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। यह दादा के लिए खुशखबरी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है। वह आइकॉन है, लीजेंड है। मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। गो माता, राष्ट्र माता। जी, आप सबको मालूम है कि आजम खान और एसटी हसन के उनके ऊपर हमने जो मुकदमा दर्ज किए हैं, तो आज गवाह की तारीख है, तो मैं गवाह देने आई और पूरे प्रक्रिया के बाद 25 अक्टूबर को फिर से डेट दिए हैं, तो मैं जरूर अक्टूबर 25 को मैं आऊंगी और गवाह देने और जी हमें बहुत बहुत ये खुशखबरी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी के लिए दादा फाल्के अवार्ड, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिया जाने वाले हैं, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ इस शुभ अवसर पर। और दादा के साथ, मिथुनदा के साथ हम लोगों का अभी दो फिल्म तैयार हो रहे हैं, एक तो रिवाज और एक अभी जो है फौजी जो है वो हम काम कर रहे हैं मिथुनदा के साथ। तो मुझसे ज्यादा कोई खुशी इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, और मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। ये सिर्फ दादा के लिए नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है। मैम एक सवाल ये है, पीएम मोदी ने भी उनको जो है फ्यूचर आइकॉन बताया है। जी, वो तो आइकॉन है ही, लेजेंड है, लिविंग लेजेंड। तो हमारे मोदी जी के आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे और हमारे इंडस्ट्री के ऊपर भी मोदी जी के उनके आशीर्वाद रहे। महाराष्ट्र सरकार ने आज गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। राजमाता है ही, गो माता तो राजमाता ही है।